तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आपकी बातों में आके आज जुनेद ने मुझे तलाक दी। मुझको तू बर्बाद करके पारसा बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने घर चली भी जाती तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें कबूल कर लेते? इसी डर की वजह से तो दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई घर में। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें निकाल के गुस्सा करके बैठ जाते, मगर तुम्हारी अम्मी, क्या वो ये दुख बर्दाश्त कर पाती? तो बहुत रोती, बहुत तड़पती तुम्हारे लिए। हेलो। हाँ जिब्रान, आ जाओ आ जाओ। अबीर परेशान मत हो, मेरा दोस्त है जिब्रान। आ जाओ जिब्रान, आ जाओ। अबीर तुम अंदर कमरे में चली जाओ, मैंने साफ कर दिया कमरा, प्लीज आ जाओ जिब्रान। ये सब क्या है यार? जुनेद ने तलाक दे दिया सर। मतलब चिड़िया जाल में फंस गई? अरे यार आराम से बोल, सुन लेगी। तो अब क्या करना है यार? थोड़ा हौसला रख, तू नहीं जानता इसे, ये बहुत चालाक और होशियार लड़की है, हमें फंसा भी सकती है। अरे यार कैसे फंसा सकती, वो तो खुद फंसी हुई है। यार थोड़ा हौसला रखना, जैसे तू चाहता है सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन कब? तुम तो खुद बैठे हुए हो, उसकी खिदमतें कर रहे हो, सर पे बिठाया हुआ है उसको। थोड़ा सर पे बिठा लेने दो, वैसे उठा के जमीन पे पटकूंगा सारी उम्र सर नहीं उठा सकेगी। कहाँ थी आप? मैं कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं कॉल पिक करते साथ ही शुरू हो गया। कोई बात नहीं, वो मैं अम्मी के साथ थी, शॉपिंग का सामान रखवा रही थी। इट्स ओके, वंस अगेन आई एम सॉरी। अंकल आंटी कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। आपको मिठाई कैसी लगी? बहुत अच्छी, इसीलिए कॉल कर रहा था। अम्मी चाहती थी कि वो खुद कॉल करके आंटी का शुक्रिया अदा करती, लेकिन कामों में मसरूफ हो गई, तो मुझसे कह दिया उन्होंने कि मैं कॉल करके उनका शुक्रिया अदा कर दूं। काइंडली आप मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। मैं कह दूंगी। अम्मी आपकी फैमिली वैल्यूज को लेके बहुत खुश हैं। मेरे अब्बू काफी रीत और रिवायत वाले हैं। पहले दादी होती थी तो वो ये सब काम देखा करती थी, इस जब से दादी गई हैं तो अब्बू ही सब कुछ संभाल रहे हैं। अब आप अपनी दादी के बहुत करीब थी ना? बहुत ज्यादा। किसी अपने के चले जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। बस इसलिए अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि आपके घर वालों के सामने किसी चीज की कमी ना रहे। बस अगर किसी चीज की कमी हो भी जाती है तो मैं हूं ना फलक, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ खड़ा हूँ। तुम्हें और अंकल और आंटी को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू कामरान। अच्छा आप ये बताएं कि अंकल की कल की फ्लाइट कब की है? मामू कल दोपहर 12 बजे तक लैंड हो जाएंगे।
पता नहीं मेरे बेटे के नसीब में क्या लिखा है। खुशियां तो जैसे उसे रास ही नहीं आती, किसी की नजर ही लग गई है। अपनी मर्जी से अबीर को लेकर आया तो हमने भी कबूल कर लिया कि इस तरह से उसकी जिंदगी संभल जाए, घरदारी में लगेगा तो जिम्मेदार हो जाए। जिम्मेदार भी हो गया था और संभाल भी लिया था उसने अपने आप को। हाँ, और काफी अच्छा एडजस्ट भी हो रहा था, खुश था वो अबीर के साथ। लेकिन उसको क्या मालूम था कि इतनी मासूम नजर आने वाली लड़की इतनी चालाक, इतनी मकार होगी। जुनैद का कोई कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन टूट तो गया है ना वो, कब से खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सोचा था सबसे पहले मेरा बच्चा इस टॉय से खेलेगा, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर तुम्हें बर्दाश्त करता रहा। अबीर, तुमने सब खत्म कर दिया, मेरा बच्चा खत्म, मुझसे छीन लिया तुमने, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। वैसे मिजाज का नहीं है, इसीलिए मैं कोई अच्छी लड़की देखकर उसका घर आबाद करना चाहती हूँ। बाहर जा रहा थोड़ी देर के लिए, आता हूँ। जुनैद, कहाँ जा रहे हो तुम? हमारे पास बैठो, तुम्हारी परेशानी में हम भी परेशान हैं। परेशान होने वाली क्या बात है भाई, बल्कि आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए कि उस घटिया लड़की से मेरी जान छूट गई। देख लो जुनैद, तुम्हारी एक गलती ने किस तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अबीर की कॉल है, उसकी माँ की। अबीर के घर पहुंचने के बाद पता नहीं क्या बात करना चाहती होंगी। हाँ, लेकिन ये सारा मामला खत्म हो गया तो उसकी माँ को बात करने की जरूरत क्या है आखिर? आंटी को तो समझ आ गई होगी, इसी ने जाके उल्टी पट्टियां पड़ी होंगी, इसीलिए कॉल करनी है। खैर, मैं कौन सा उठा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जरा देख कर उसके साथ बहुत मोहतात रहना। नहीं यार, तू उसकी फिक्र मत कर। तू जानता है इस वक्त अबीर को मेरी ऐसे जरूरत है जैसे मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। वैसे यार कमाल है तेरी जहानत को भी, मछली को कैद कर लिया और उसे पता तक नहीं चलने दिया। ऐसे प्लानिंग्स तो बहुत कुछ थी अबीर को बदनाम करने की, लेकिन इस वक्त यही काफी है कि वो मुझ पे एतबार करने लगी। ये तो सही कह रहा है, लेकिन उमर अब उसे अपने पास से मत जाने दे। अरे यार, जाएगी किधर वो? अपने लिए सब रास्ते सब दरवाजे वो बंद करके आई है। इस वक्त मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं। अच्छा चल, अब जाना तू। अरे जाना, अबीर के साथ हूँ। सही है भाई, बहुत बेताबी हो रही है तुझे। कब तक अपने आप को अजियत में डाले रखोगी? इस तरह से सबको शक हो जाएगा। मैं जुनैद को इस हालत में नहीं देख सकती अथर। मैंने हमेशा जुनैद को अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। उसकी औलाद मेरी कितने अजीज होती, और मैंने एक ही गफलत में उससे सारी खुशियां दूर कर दी। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सब किस्मत में लिखा हुआ था। तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं।
अगर ये बात खाला तक पहुंच गई तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अम्मी तक बात पहुंचने से पहले ही मैंने हलीमा बी से बात करके सब कुछ संभाल लिया है। वो अम्मी से बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो कल गांव वापस जा रहे हैं। ये लो भाई खा लो कुछ, सुबह से भूखी हो। थैंक यू उमेर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो मेरे। असल में जो लोग खुद बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको लगता है कि बाकी सारे भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली तुम खुद बहुत अच्छी हो। उमेर तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बोलो। मुझे प्लीज घर छोड़ा। क्या मतलब घर जाना चाहती हूँ? जुनेद के घर मैं तो दोबारा मर के भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं अबीर, वो तुम वहां कैसे जा सकती हो? वो तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे तुम्हारे अब्बू, बल्कि जान से मार डालेंगे तुम्हें। मेरे अब्बू मुझे कभी मार नहीं सकते। हाँ मुझ पर गुस्सा जरूर होगा, हो सकता है हाथ भी उठा, पर जान नहीं ले सकते, मेरी बेटी हूं उनकी। इन अबीर फिर भी अगर उन्होंने तुम्हें कबूल कर भी लिया तो भी वो तुम्हें घर में कैद करके रख देंगे, तुम्हें बाहर कदम नहीं रखने देंगे। और मैं तुम्हें देख ना सकूं, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जानती हूं तुम मेरा बहुत एहसास करते हो, हमदर्द हो मेरे, पर इस वक्त मैं घर जाना चाहती हूँ और फिर मैं तुमसे मिलने भी आऊंगी दोबारा। प्लीज लेकिन मुझे भी घर छोड़ो। ये दवाई खाएं, इससे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो पूछ रहे थे आपका। तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप मेरे कपड़े तय कर रही हैं। कहाँ है तुम्हारे अब्बू? लाउंज में क्या? नहीं नहीं अपने कमरे में। मैं अगर वो आपकी कॉल नहीं उठा रही तो आप बार बार क्यों उसको फोन कर रही हैं? पता नहीं, पहले मैं अबीर को फोन कर रही थी, अब जुनैद को मुस्तकिल कॉल कर रही हूँ, बार बार मेरी कॉल काट रहा है। पता नहीं दोनों से मेरा राबता नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जरूर कोई बात है, मुझे जाना होगा, जाके देखना होगा। नहीं अम्मी मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। ऐसा करते हैं कि दोनों चलते हैं, तुम मेरे साथ चलो, चल के देखते हैं कि उन लोगों ने हमारी बच्ची को किस हाल में रखा है। नहीं अम्मी, अब्बू की इजाजत के बगैर ना मैं वहां जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। तो ठीक है, अकेली चली जाती हूँ मैं। नहीं समझे ना, उनको पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारे अब्बू गुस्सा करते हैं तो करने दो उन्हें, अगर पूछे तो कह देना गई अपनी बेटी से मिलने के लिए। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। नहीं अम्मी, अम्मी एक बात तो सुने। अम्मी को क्या कहोगे? हेलो, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा है। मैं था तुम परेशान होगी शायद, मेरी खैरियत मालूम करने के लिए बार बार फोन कर। वो जुनैद भाई और भाभी घर पे आए हैं, इसलिए कॉल नहीं कर सकी मैं। भाई आए हुए क्यों? बाद में बताती हूँ तुम्हें। अब क्यों आए बोलो, जब तुम्हें घर से निकाल रहे थे उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम अकेली क्या करोगी, किस तरह रहोगी? अच्छा जुनैद भाई आवाज दे रहे हैं, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ, ठीक है? हबीर, हबीर,
अबीर, अबीर, अबीर। जी कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है अबीर? ये तो आप ही को पता होगा ना कि वो कहाँ है। क्या मतलब है आपका? आपके बेटे ने शादी की है ना मेरी बेटी से, ये उसका घर है ना, यही होगी, और कहाँ हो सकती है वो? और आपका बेटा, वो मेरी बच्ची को अजियत दे रहा है, तड़पा रहा है मेरी बच्ची को। अब वो तड़पे या खुश रहे, हमारा या जुनेद का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? जुनेद उसे तलाक दे चुका। क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे छोड़ सकता है वो उसे? वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, नहीं छोड़ सकता वो मेरी बच्ची को। अपने बच्चे की दुश्मन बन गई है, खत्म कर दिया उसे। मेरी अबीर ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। आप बुलाए ना उसे, कहां है अबीर? अबीर, अबीर नहीं है अबीर यहाँ, जुनेद से तलाक के बाद जा चुकी है। चली गई है? कहाँ चली गई है? वो घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई है? उसी के साथ होगी जिसके साथ जुनेद ने उसको रेस्टोरेंट में पकड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ये सब कुछ नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, नहीं कर सकती मेरी अबीर ऐसा। जुनेद कहाँ है? जुनेद, जुनेद मत दें जुनेद को आवाजें, बहुत गुस्से में है वो। ऐसा ना हो कि आपकी बेइज्जती कर दे। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। अगर यहाँ नहीं है और घर भी नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? हाँ, किसी दोस्त के घर चली गई होगी। फलक, फलक। जी अबू। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है? वो दर्जन आंटी के पास गई है कपड़े लेने। उसे भी आज ही जाना, फिर किसी वक्त चली जाती। अब मैंने उससे पैसे लेके इतने जरूरी काम जाना है। मैं उनकी अलमारी से निकाल देती हूँ, मुझे बताएं कितने चाहिए। नहीं नहीं, तुम रहने दो, पता नहीं उसका क्या हिसाब किताब होगा अपना। तुम ऐसा करो, दरवाजा बंद कर लो, और वो आए तो उसको कहना फोन पर मुझसे बात करे। जी। कौशल, तू कपड़े लेने गई थी, खाली हाथ आ गई हो, क्या हुआ? कौशल, 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 पता नहीं कैसी लड़की है वो, इतनी बड़ी कयामत टूटने के बाद भी अपनी माँ के पास वापस नहीं गई। लेकिन वो तो कहती थी कि उसके माँ बाप के अलावा कोई है ही नहीं रिश्तेदार शहर में, वो कहाँ गई होगी? अरे जहाँ भी गई होगी, भाड़ में डाले आप लोग उसको। वो अब इस घर से जा चुकी है, उसका जिक्र भी अब इस घर में नहीं होना चाहिए। और अगर उसके खानदान वाले या घर वाले आते हैं ना, तो अम्मी उनको बाहर ही बाहर से फारिग कर दीजिए। किसी की भी कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं आप लोगों को। कैसी लड़की, अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोने की बजाय पता नहीं किसके कंधे पर सर रखकर बैठी होगी। तुम्हारे अब्बू के डर से किसी दारुल अमान में चली गई होगी।
यकीन अगर अभी यहाँ आ भी जाती तो क्या अबू उसको आने देते? कैसे नहीं आने देते, मैं मना लेती ना तुम्हारे अबू को, मैं उन्हें वास्ते देती, उनके पाँव पकड़ लेती, मना लेती उन्हें। बीपी बहुत लो था, शदीद टेंशन में है। घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है ना डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उसकी वजह से थक गई है ये। जी जी, शादी ब्याह के कामों में थकन तो हो ही जाती जी। आप मेरे साथ चले, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। जी बेहतर, आइए आइए डॉक्टर। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। कबीर के घर गई थी? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई। जुनेद ने तलाक दे दिया अबीर को। क्या? पता नहीं किस हाल में, पता नहीं कहाँ है वो, अबीर का कुछ पता नहीं चल रहा। आप मत परेशान हो। मैं जानती हूँ तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगे, लेकिन ये किसी तरह मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँ। भरोसा है और अब शायद तुम ही पर भरोसा है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उमेर, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जितनी जल्दी हो सके दोबारा आऊँगी और फिर आगे प्लान करेंगे क्या करना है। उन लोगों ने अबीर के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की। कहते हैं कि अबीर को किसी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, बल्कि जुनेद ने देखा है। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बेटी इतनी बुरी हो सकती है, वो ये हरकत कर ही नहीं सकती। पर अम्मी आप तो बता रही थी कि अबीर प्रेग्नेंट है। हाँ, उन्होंने ये इल्जाम भी अबीर के सर लगा दिया, उसने अपने बच्चे को खुद खत्म कर दिया। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। जुनेद के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी वो। कर अम्मी अगर अभी यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई होगी, उसका तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। कहाँ जा सकती है, तुम्हारे अब्बू के डर से किसी दारू लबान में चली गई होगी। लेकिन अगर अबीर यहाँ आ भी जाती तो क्या अबू उसको आने देते? कैसे नहीं आने देते, मैं मना लेती ना तुम्हारे अबू को, मैं उन्हें वास्ते देती, उनके पाँव पकड़ लेती, मना लेती उन्हें। और वैसे भी जब अबीर आती उनके सामने तो वो रोक ना पाते उसे आने देते। देखना मैं तुम्हारे अबू से बात करूंगी, मैं मना लूंगी उन्हें। मम्मी आप मत रोएं, तबीयत पहले ही खराब है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या सुन लिया मैंने, तुम्हारे मरने की खबर आ जाती तो शायद इतना भारी ना गुजरता मुझ पर। अब तुम कहाँ, कौन सा नया गुल खिला रही हो? तू क्या कह रहा है, ये क्यों इतनी बेवकूफी कर रहा है तू? यार जिब्रान, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लेकर जा रहा हूँ उसे, उसी ने अचानक से रट लगा रखी है कि मैंने घर जाना है। तो किसी तरह मना कर दे उसको। यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं मान रही। अरे यार मैंने तो सोचा था कि वो आज रात ही मुझे कॉल करके बुला देगा। और फिर यार अब उसने दोबारा आने का वादा तो किया है, देखा
अरे यार तू जानता तो है कितनी बड़ी धोखेबाज लड़की है वो, एक बार हाथ से निकल गई ना दोबारा कभी नहीं आएगी। बेटा कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली। देख वो इस वक्त जुनैद से सख्त नफरत करती है, उसकी जान की दुश्मन बनेगी और मैं उसका साथ देने का वादा कर चुका हूँ। देख मेरी मोहब्बत या मेरी दोस्ती में नाज़े, वो जुनैद की नफरत और उसकी दुश्मनी में जरूर एक बार आएगी मुझसे मिलने के लिए खुद। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे फिर बात करता हूँ। चल खुदा हाफिज। ओके ओके खुदा हाफिज। आज का दिन कंप्लीट रेस्ट कर लो, बाकी जो थोड़े बहुत काम है ना वो कल जाके कर लेना। जी। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। तुमने जो बात करनी है ना सुन चुका हूं वो मैं। सर अमीर को घर वापस ले आए ना। जिन लाशों को दफना दिया जाता है ना उन्हें कब्रों से निकाल कर वापस घर में नहीं लाया जाता। बोला सर वो हमारी बेटी है, खुदा के लिए उसे घर वापस ले आए। उसका पता ही नहीं है कि वो कहां है तो कहां से ढूंढ के लाऊं उसे मैं। मिल जाएगी ना, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, पता भी चल जाएगा उसका, आप उसको ढूंढ लाए। कौसर जो नामुमकिन काम है ना उनके लिए हलकान नहीं होते। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि वो हमारी बेटी है, और वैसे भी हम लोग हाथ पे हाथ। हमारी बेटी है ना, अभी थोड़ी देर में उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, संभालो अपने आप को। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को, लेकिन आप वादा करें आप अभी इनको ढूंढ कर लेकर आएंगे। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, मुदस्सिर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुदस्सिर खुदा के लिए मेरी बच्ची को ढूंढ लाए, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। चची जान क्या बहुत थकी हुई थी, जल्दी सो गई आज? मैंने तो उन्हें मना भी किया था कि सब काम मैं खुद कर लूंगी, लेकिन वो कहाँ बाज आती हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाहर से खाना मंगा लेता हूँ, मगर तुम मानी नहीं। खैर वो दोनों बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, सच में अंदर ही अंदर मैं खुशी से पागल हो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं अबीर फिर से ना आ जाए, जैसी बदतमीज और जबान दराज लड़की को देख के वो हमारे बारे में क्या सोचते। नहीं उसके साथ जो हुआ है यहां आने की आइंदा वो हिम्मत भी नहीं करेगी। कहां जा सकती है, तुम्हारे अबू के डर से किसी दारू लमान में चली गई होगी। क्या वाकई भी दारू लमान गई? अगर वहां नहीं गई तो फिर कहां जा सकती है, और इस डायरी में तो किसी का नंबर भी नहीं है। क्या करूं क्या करूं, कैसे तलाश करूं मैं अबीर को। कामरान की कॉल, कैसे रोकूं मैं इन्हें, अगर ये लोग यहाँ आ गए तो इन्हें सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा। फिर तुम क्यों करती हो ऐसे कि अब्बू की इज्जत उनका मान खतरे में पड़ जाए। नहीं मैं अब्बू की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी, मुझे किसी भी तरह इन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। जी कामरान। जी फलक, हम लोग बस अब घर से निकल रहे हैं। कामरान मेरी बात सुने,
जी जी बताइए। वो अचानक ना अम्मी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर अभी देख के गए हैं, उनको आराम की हिदायत दी है, तो अगर आप आज की बजाय कल आ जाएं तो। अब हाँ हाँ, इसमें तो कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, हम लोग कल आ जाएंगे, नो इश्यूज। अगर कहो तो मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं और अब्बू हैं अम्मी के साथ, आप परेशान मत हो, हम अम्मी का ख्याल रख लेंगे। ठीक है फलक, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बिला झिझक कॉल कर सकती हो। हाँ जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अंधेरा हो गया है, इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है, कहाँ चली गई, शहर में भेड़िए फिरते, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो गया, नहीं अल्लाह भैया मेरी बच्ची की हिफाजत करना तू, मेरे बाद उसे अपनी जमान में रखना तू। अम्मी आप क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हो। कहीं नहीं है वो, जब मैं चुनैद के घर से वापस आई थी ना तो मैंने किरण और सुंदर दोनों को फोन किया था, कुछ मालूम नहीं क्या है। इस लड़की को माँ का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। अरे मैं कैसे तड़प रही हूँ, क्यों एहसास नहीं करती वो मेरा? तुम्हारे अब्बू भी इसी तरह से तड़पते हैं, कभी जोर नहीं करते मेरे सामने, लेकिन मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तुम दुआ करो ना अल्लाह से कि तुम्हारे अब्बू ने उसे ढूंढ लिया, ना करे तुम्हारे अब्बू से लेकर आ जाए। अम्मी अभी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची आ गई, मुझे सब पता है, मैं गई थी वहां पर, सब बता दिया उन लोगों ने कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, कैसे अजीब कर दी। बस तुम परेशान मत हो, अब तुम आ गए ना तुम्हारा की आगोश में, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम देखो सब ठीक हो जाएगा, हे अल्लाह तुम चुप रहे। क्या हो गया आपान, कोई ढूंढ रहे हैं आप? हाँ एक फाइल ढूंढ रहा हूँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं हेल्प करूँ? हाँ तुम जरा उन दराजों में जाके चेक करोगे प्लीज। फाइल में है क्या ये तो बता दें। रोहिना के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन करके भिजवाने, मैंने परसों उसने सबमिट करना, वो मुझे अभी बता रही है। कुछ नहीं हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं, बेचारी भूल गई होगी ना, मिल जाएंगे। ये तो मसला है कि वो भूल। ये रे। देखा मिल गए है ना, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे ना, मुझे लगा था पूरी रात ही लग जाएगी इसमें। ये क्या है? अरे चची जान कहना ऐसी, उनकी कल बर्थडे है। रियली? ओ हाँ, उनके लिए कुछ प्लान करें हम, सरप्राइज। हाँ गुड आइडिया, चाची जान को खुशी होगी। सच्चा मौका नहीं मिलेगा हमें। तब विल प्लान समथिंग गुड, स्कैन करवा के भेज दें अब उसे। हाँ हाँ। सांसें लेनी थी, शायद वो भी लेने के काबिल नहीं रहा। फलक को रुखसत करते वक्त तक मुझे खुद को मजबूत रखना है, जिंदा रहना है। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता,
खुदा ही तुम्हारा हामी और नासिर हो अबीर। मत परेशान हो अम्मी, जुनेद ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ वीर, और सिर्फ ये सोचो कि अब अब्बू के दिल में तुम्हें जगह कैसे बनानी है, उनका सामना कैसे करना है। क्या मतलब? मेरा घर उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गई, क्या मेरी ये हालत देख के भी अब्बू को मुझ पे तरस नहीं आएगा? उनके दिल में जरा सी जगह नहीं मेरे लिए बनेगी। अब्बू को सब पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बहुत तड़पी हूँ, मिन्नतें की है तुम्हारे अब्बू की, हाथ जोड़े, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए जरा बराबर भी कोई जगह नहीं है। क्या करूं मैं? लेकिन अम्मी वीर, देखो जो तुम करके गई थी वो किसी भी इज्जतदार आदमी के लिए भूल जाना और बर्दाश्त करना कोई आसान तो नहीं है ना। और अब तुम वापस इस घर में आ गई हो, सबू को मजीद अजियत पहुंचेगी। मैंने अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नीलम और मेरी भाभी नाजिश, उन्होंने मिलके मेरा घर तबाह बर्बाद कर दिया, मुझे दर बदर कर दिया। अल्लाह ना करे तुम दर बदर। अब तुम आ गई हो ना बेटा, अपनी माँ के पास रहो, मेरी आगोश में आ गई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी हम अबू को कैसे बनाएंगे? तुम्हारे अबू को इसके आने का पता नहीं चलेगा, मैं इसे छुपा कर रखूंगी। मैं इसे छुपा के रखूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे, कहाँ? वो तुम्हारे कमरे में छुपा के रखू। लेकिन वैसे भी तुम्हारे कमरे में कोई आता तो है नहीं, और खासतौर पे तुम्हारे अबू बगैर दरवाजा बजाए नहीं आते, उन्हें पता नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारी रुखसती नहीं हो जाती ना, मैं इसे तुम्हारे कमरे में रहने दूंगी। वैसे भी कल से तो तुम मायूं बैठ जाओगी ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अम्मी आपकी ये हालत देखकर अगर अब्बू को शक हो गया तो? वो तुम ऐसा करना ना, वो जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी ना वो तो मुझे दे देना, वो कहा कि मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारे कमरे में नहीं आते ना, अगर आ भी जाए ना तो तुम दरवाजा मत खोलना, हाँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। मैं कभी इस घर की चौखट पर ना आती, तुमने मुझे बर्बाद करके बहुत बुरा किया है जुनेद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं कैसी लड़की है, इतनी बड़ी कयामत टूटने के बाद भी अपनी माँ के पास वापस नहीं, अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोने की बजाय पता नहीं किसके कंधे पर सर रखकर बैठी होगी।